हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन का डोरमेट और देखिए इसे बनाने के लिए मैंने चार कलर की बुल ली है और आप इसको साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं इसको आप डोरमेट की जगह भी यूज कर सकते हैं या फिर टेबल मेट की जगह या पूजा आसन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और देखिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज में ग्रीन से ये डिज़ाइन डाली हुई है और ब्लू में वाइट से तो ऐसे लग रहा है कि ये दोनों तरफ से डली हुई है इस तरह से मैंने इसको बनाया है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ये देखिए मैंने यहाँ पे बत्तीस फंदे ले लिए हैं तीस फंदे मैंने वाइट कलर से लिए हैं और दो फंदे मैंने ये ब्लू कलर से लिए हैं अब देखिए हम इसकी फर्स्ट रो बनेंगे तो यहाँ से देखिए एक और दो दो फंदे मैंने ये बना लिए उसके बाद हम इस बुल को ऐसे कर लेंगे इसके ऊपर से और ये वाली वाइट वाली इसके नीचे से तो यहाँ पे देखिए बाइट से हम तीन फंदे बुनेंगे दो और तीन तीन बनाने के बाद हम इसको यहीं से पलट लेंगे अब देखिए एक दो इसको हम छोड़ देंगे इस बुल को हम इधर कर लेंगे वापस हम यहीं से पलट लेंगे अब देखिए इसको हम उतार लेंगे बीच वाले को यहाँ से देखिए एक एक ये बुना तीन हम आगे से लेंगे एक दो तीन इस तरह से देखिए यहीं से हम पलट लेंगे इसको अब यहाँ से एक दो तीन चार पाँच और छः ये छः फंदे मैंने बुने इसको अब हम इस रो में क्रॉस करा देंगे और ये दो फंदे हम इस कलर से बुन लेंगे ऐसे एक और दो इस तरह से देखिए अब देखिए यहाँ से हम अब देखिए हम इस फंदे को उतारेंगे भूल अपने तरफ और देखिए यहाँ से ये यह दो और देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ और देखिए दो फंदे हम वाइट के आगे से बना लेंगे ऐसे एक और दो दो बना लिए सिलाई को हम यहीं से पलट लेंगे एक दो अब देखिए इसको हम ऐसे क्रॉस कराएंगे इसको ऊपर से इसके आगे से यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात ये देखिए तो एक ही में दो दो चार दो छः दो आठ अब देखिए यहाँ से अब हम देखिए दो दो फंदे इधर से ब्लू वाले बाइट करते जाएंगे और दो दो फंदे इधर से लेते जाएंगे तो देखिए यहाँ से अब हम इस रो में एक उतार लिया दो तीन चार पाँच छ छः फंदे बनाए और इसको हम ऐसे कर लेंगे देखिए अब यहाँ से देखिए ये दो फंदे हमने बाइट के कर लिए और दो हम ये वाले बुन लेंगे ऐसे और दो बिन ये छूटे हुए जो हैं इधर के उनमें से ले लेंगे ऐसे तो यहाँ पे मेरे पास ये छह फंदे हो गए यहीं से हम पलट लेंगे ये देखिए अब देखिए यहाँ से दो तीन चार पाँच छ इसको हम ऐसे क्रॉस कराएंगे इसको आगे लाएंगे ये देखिए इस तरह से अब देखिए वापस हम इसको पलट लेंगे और यहाँ से इस फंदे को उतारेंगे ये दो तीन चार चार फंदे मैंने बना लिए उसके बाद दो फंदे हम ऐसे कर लेंगे इसको और यहाँ से ऐसे कर लेंगे दो मैंने ये बना लिए बाइट से और देखिए यहाँ पे ये चार पाँच छ सात आठ दो आगे से ले लेंगे नौ और दस ये देखिए यहीं से हम पलट लेंगे ऐसे देखिए यहाँ पे जो जैसा है उसको हम वैसे ही बना लेंगे ये देखिए इस तरह से अब देखिए यहां से हम एक फंदा उतारेंगे और देखिए ये दो फंदे इस कलर से बना लिए और इसको हम ऐसे कर लेंगे यहां से एक दो दो बाइट के बना लिए अब देखिए यहाँ पे ये यह चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और दो आगे से ले लेंगे तेरह और चौदह यहीं से अब हम पलट लेंगे इसको यहां से अब जो जैसा है इस रो को हम पूरा कंप्लीट करेंगे ये यह देखिए यहाँ पे एक कली डल के कंप्लीट हो गई वापस हमने देखी बैंगनी के दो फंदे छोड़े हैं और इस तरह से यहां से यहां तक देखिए दो दो चार दो छे दो फंदे बचे हैं यहाँ पे अब देखिए हम यहां से एक फंदा उतार लिया एक बुन लिया अब बाइट में से हम देखिए ये एक दो तीन चार छ सात आठ नौ दस इसको हम साथ में ले जाएंगे ग्यारह बारह बारह फंदे हमने ये वाले बुन लिए देखिए और दो फंदे इसमें से इधर वाले में से बचे हैं दो हम आगे से लेंगे ऐसे एक और दो अब दो आगे से ले लेंगे तो यहाँ पे ये यह चार फंदे हो गए यहीं से हम पलट लेंगे ऐसे अब देखिए यहां से ये यह दूसरी कली स्टार्ट हो रही है एक कली यहां पे ये यह छोटी बनी फिर इसके बाद बड़ी अब इसके बाद देखिए ये बनके के तीस कंप्लीट होगी ऐसे इसको हम ऐसे क्रॉस कराएंगे ये रो हम ऐसे ही बना लेंगे अब ये बैंगनी कलर के फंदे हैं इनको हम लास्ट तक बुनेंगे आप देखिए उल्टी रो में हम इस फंदे को उतारेंगे बोल अपने तरफ दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दो फंदे हम बाइट से बनाएंगे अब हम ऊपर के साइड से दो दो फंदे बाइट करते जाएंगे जैसे हमने ये यहाँ पे किए हैं ऐसे करके तो दो हमने ये बाइट से बुन लिए उसके बाद देखिए तीन चार पाँच छ और दो आगे से ले लेंगे सात और आठ यहीं से हम पलट लेंगे यहाँ पे देखिए जो जैसा है उसको हम लास्ट तक वैसे ही बुन के कंप्लीट करेंगे बाइट है उसको बाइट और बैंगनी है उसको बैंगनी अब देखिए यहाँ से हम उल्टी रोपे हैं तो यहाँ से देखिए एक फंदा उतार लिया बुल अपने तरफ किया दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस फंदे बुने इसको हम ऐसे करेंगे यहाँ से दो फंदे हम वाइट बना लेंगे पर्पल वाले देखिए दो दो चार पाँच छ सात आठ नौ दस दो आगे से ले लेंगे ग्यारह और देखिए ये बारह यहीं से अब हम पलट लेंगे और भूल को इधर करके ये रो पूरी कंप्लीट करेंगे अब देखिए उल्टी रो पे आ गए हम तो जहाँ से हम देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और एक उतार लिया आठ आठ फंदे बुने दो हमने ये बाइट कर लिए तो देखिए इस तरह से अब देखिए यहाँ से ये चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और दो आगे से ले लेंगे तो ये सोले यहीं से अब हम पलट लेंगे और ये रो हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे लास्ट तक अब देखिए यहाँ से एक दो तीन तो ये कली इस तरह से हो गई अब हम यहाँ से देखिए इस रो में एक बंदा उतारा दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ फंदे ये बुने और देखिए बाइट वाले में से हम एक दो तीन यहाँ से इसको साथ में ले जाएंगे चार पांच, छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह फंदे मैंने बुने दो देखिए इधर वाले बाइट में से रह गए दो हम आगे से लेंगे तो एक देखिए एक और दो दो हम आगे से ले लेंगे एक और दो यहीं से हम पलट लेंगे इस तरह से तो हम ये रो अब कंप्लीट करते हैं यहाँ पे चार बाइट हैं और बाकी पूरे बैंगनी हैं अब देखिए उल्टी रो में हम यहाँ तक ये दो फंदे तक पूरा बैंगनी कलर से ही बुन लेंगे अब देखिए यहाँ से ये कली वापस ऊपर के साइड से दो दो फंदे बढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ पे हम आगे तक बना लेते हैं ये देखिए बीस फंदे हमने यहाँ पे बना लिए दो फंदे हम इस कलर से बना लेंगे एक और दो और देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार चार बाइट के थे अब देखिए यहाँ से एक और दो दो फंदे हम और ले लेंगे यहीं से पलट लेंगे अब देखिए इस तरह से पूरी रो हम लास्ट तक बनाते हुए जाएंगे अब देखिए बैंगनी कलर से हम यहाँ तक बनाएंगे और दो फंदे हम बाइट के इधर से कर लेंगे और दो चार फंदे इधर मेरे पास हैं देखिए अभी लेने के लिए तो दो हम एक रो में ले लेंगे फिर अगली रो हम बनाएंगे तो उसमें हम दो फंदे ले लेंगे इतना हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने एक दो तीन तीन डिजाइन यहाँ पे हो गई हैं यहां तक फंदे मैंने सभी ले लिए हैं अब देखिए इस रो में हम सारे फंदे इसी बैंगनी कलर से बना लेंगे एक फंदा उतार लिया और देखिए लास्ट तक हम ये रो ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे उल्टा उल्टा ये देखिए जो व्हाइट कलर के हैं उनको भी हम इस रो में इसी से बुन लेंगे ये देखिए ऐसे ये देखिए लास्ट तक हमने ये बना लिया ऐसे अब हम इधर से एक रो उल्टा बनाते हुए जाएंगे ये देखिए यहाँ से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली और एक कली बन के कम्प्लीट हो गई अब देखिए सेकंड कली बनाने के लिए हम यहाँ पे दो फंदे ऑरेंज कलर से बुन लेंगे ये देखिए एक और दो दो मैंने ऑरेंज से बुन लिए उसके बाद हम ग्रीन कलर को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से एक दो यहाँ पे अब हम तीस फंदे ग्रीन कलर से बुनेंगे इस तरह से ये इसको हम इसी में ऐसे करके ले जाएंगे चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस ये तीस फंदे देखिए मैंने ग्रीन से बुने, दो ऑरेंज से बुन लिए तो बत्तीस फंदे मेरे पास इस रो में हैं अब हम इधर से पूरी रो ऐसे ही बुन लेंगे ये देखिए एक फंदा उतार लिया ये मैंने इधर से हम ग्रीन को ग्रीन से और दो फंदे लास्ट में ऑरेंज से बनाएंगे ऐसे तो ये रो हम कंप्लीट करते हैं ये देखिए यहां से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली अब देखिए हम यहाँ से फर्स्ट रो जो मैंने बनाई थी उसी तरीके से हम इसको आगे बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे तो हम बना लेते हैं फिर दिखाएंगे आपको